हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट के लिए, तो सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मुझे बिछानी है बेडशीट। ये देखिए, मैंने बेडशीट कल ही चेंज करी थी बट उस पर कुछ गिर गया था तो फिर मुझे चेंज करनी पड़ी। तो अब मैं सोची हूँ कि ये वाली बेडशीट, मुझे ये वाली बेडशीट अपनी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पीछे आप बैग देख रहे हैं, वो बैग मेरे जो पति देव है जहाँ पर गए हैं वहाँ लेकर के गए थे। और जब जब मैं इसको देखती हूँ मुझे इतना अजीब सा फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बैग तो यहाँ है बट वो वहीं के वहीं है जहाँ पर गए थे। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊँगी तसल्ली से। फिलहाल जब भी मैं वो बैग देखती हूँ तो मुझे उनकी और ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैंने ही उनकी सारी पैकिंग की थी। सारा कुछ, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान, सारा ज़रूरत का सामान इसी में पैक करके उनको मैंने थोड़े दिनों के लिए टाटा बाय बाय बोला था, राधे राधे बोला था। तो चलो कोई बात नहीं है। और ये देखिए, आज इकट्ठी सारी बातें हो जाए इतने दिनों बात कर रहे हैं। तो मैंने कल ही अपने बाल उड़ा दिए, मैं इतना दुखी हो गई थी अपने बालों से, सच में बता नहीं सकती हूँ। और ये मेरे साथ शुरुआत से, बचपन से, मैं बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, थोड़े से बढ़वाते हैं फिर मैं कटवा देती हूँ। काफ़ी सारे लोग, मतलब इतने दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप बॉब कट करवा लो, बॉब कट करवा लो। तो मैं उनको हमेशा ही बोलती थी कि अब मैं बॉब कट नहीं करवाऊंगी। मेरा एक ड्रीम था जो कि मैंने पूरा किया था। और कुछ लोग बता भी सकते हैं कि मैं कराऊं कि ना कराऊं, क्योंकि मैं बीच में इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी कि वो बहुत भद्दे लगते मेरे ऊपर, है ना। हर किसी के ऊपर हर हेयर स्टाइल सूट नहीं करती है। तो बॉब कट मुझे ऐसा लगता है जो स्लिम बॉडी होती है, मतलब उस पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जहाँ तक कि मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मेरी स्लिम बॉडी पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं दुबली थी तब मैंने करवाए थे। देखते हैं कौन कौन इस बात से सहमत है। तो फिलहाल तो मेरे बाल ऐसे हैं, छोटू से, अभी मैंने बांध के रखे थे ना तो ऐसे हो गए। मम्मी कम काट रही थी, मैंने कहा नहीं और उड़ा और उड़ा, मैंने करते करते इतने उड़वा दिए। क्या फ़ायदा, वो पतले पतले से रहते हैं फिर उलझन देते हैं। बड़े बालों में उतना ही ज़्यादा केयर भी करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मैं उबने लगती हूँ। एक टाइम होता है मुझे शौक रहता है, फिर मैं उबने सी लगती हूँ, फिर मुझे लगता नहीं कटवा दो, एक कंघी मारो बस फुर्सत। स्पेशली विंटर्स में, विंटर्स में क्या होता है कि सेटिंग वगैरह होती नहीं है तो बाल खोल सकते हैं हम, कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ता है। और हाँ, मार्केट जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कुछ मंगवाया है और वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है मेरे लिए, तो इनफैक्ट एंड हर हाउसवाइफ के लिए होगी, हर हाउसवाइफ के लिए होगी और आपके हर एक फैमिली मेंबर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मंगवाया वो है इस वाले कार्टन बॉक्स में, अभी मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे कल ही रिसीव हुआ है और इसको नन्नू मैडम यूज़ भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हम सारे लोग पूजा वगैरह करते तो वो करके बस फिर से इसी में रख दिया था। नन्नू ने इसको यूज़ किया था, थोड़ा मम्मी ने किया था, थोड़ा मैंने किया था। सो फ्रेंड्स, ये है अगारो रॉयल एयर कंप्रेशन फुट मसाजर। अगारो रॉयल एयर कंप्रेशन फुट मसाजर एक सियास्तु मसाजर है जिसे यूज़ किया जा सकता है फीट, एंकल एंड काप्स के लिए। इसके बेस पर रोलर्स हैं फ्रेंड्स एंड साइड्स पर हैं एयर बैग्स। यही साइड की इन बैग में हवा भरती है एंड कम होती है और इसी से होती है मसाज। और ये मसाज बिल्कुल हाथों की मसाज जैसी फील होती है। इसके साथ आता है ये 360 डिग्री एडजस्टेबल सपोर्ट बार। इसको आप इस तरीके से पुश करके एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वहीं पर लॉक हो जाएगा, मतलब हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इसको यूज़ करके आप इस मसाज को मूव भी कर सकते हैं, एज अ स्टैंड भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कंफर्टेबल पोजिशन के अकॉर्डिंग रख भी सकते हैं इस मसाजर को। एंड फ्रेंड्स, सामने ही इसके फंक्शंस बटन दिए गए हैं जहाँ से आप इस मसाजर को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। ये है फ्रेंड्स इस मसाजर की पावर केबल। इसको सिंपली आपको स्विच में लगाना है और प्लग को कर देना है ऑन और बस अब ये मसाजर रेडी टू यूज़ है। बीच में ही इसके पावर बटन है जहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। इसमें 5 इंटेंसिटी एयर कंप्रेशन है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। 5 to 30 मिनट का टाइमर है, इसमें आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको मतलब 5 मिनट मसाज लेनी है या फिर 30 मिनट। इसमें आते हैं 3 एडजस्टेबल मसाज मोड, P1, P2 और P3। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। P1 और P2 मोड्स पर आपको मिलेगा डिफरेंट एयर कंप्रेशन इंटेंसिटी एंड रोलर मसाज का कॉम्बिनेशन, बट P3 मोड है उसमें सिर्फ आपको इंटेंसिटी होगी, रोलर मसाज नहीं होगा। इसमें ल्यूकवॉर्म हीटिंग का भी मोड है, आप इसको 2 लेवल पर सिलेक्ट कर सकते हो जिससे कि मसाज के टाइम सिकाई भी साथ साथ बहुत अच्छे से हो जाती है इसमें।
इसके साथ आपको एक किट मिलती है जिसमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल, एक रिमोट कंट्रोल और एक इसका वारंटी कार्ड। जो फंक्शंस मसाजर के ऊपर दिए गए हैं वो ही रिमोट कंट्रोल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली। इस मसाजर को आप सोफे पर, चेयर पर, ज़मीन पर या फिर बेड पर, कहीं पर भी बैठकर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बेड पर लेटे हुए भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करते हुए या फिर इंजॉय करते हुए भी इस मसाजर को आप यूज़ कर सकते हो। एयर कंप्रेशन होने की वजह से मसाज का जो मूवमेंट है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है और मसाज करते टाइम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मसाजर को ऑन करते ही इसके जो साइड के कंप्रेशन बैग्स हैं वो फूल जाते हैं और मसाज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से इसको ऑफ करने के बाद विद इन अ 2-3 सेकेंड ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। मेरा छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप ऑफ करते ही इमीडिएटली पैरों या फिर हाथों को ना हटाएं। 2-3 सेकेंड्स में जब ये लूज़ हो जाए उसके बाद ही आप इजीली अपने हाथों या पैरों को निकाल सकते हैं। इसमें मैं अपने हाथों की भी मसाज कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। हम हाउसवाइफ के लिए इतना ज़्यादा काम होता है कि हम काम करते करते थक जाते हैं। हम तो सबका ख्याल रख सकते हैं बट हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारे हाथ पैर कौन दबाएगा भैया? तो हमारे हाथ पैरों की ख्याल रखने के लिए ये वाला जो तोहफा है वो आप खुद को दे सकते हैं या फिर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही इजीली इसका जो ये कवर है वो जिप से अटैच होता है, उसको आप निकाल सकते हैं। वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से सुखा करके इसको अटैच कर सकते हैं, ये फिर से रेडी टू यूज़ हो जाएगा। दिन भर की थकान के बाद इस मसाजर को यूज़ करने से बहुत ही रिलीफ मिल जाता है और नींद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आपको भी अपने लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर के इजीली परचेज कर सकते हैं। आप इसको किसी बर्थडे में, पार्टी में, मदर्स या फादर्स डे पर अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, 100% उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। अब ये इसको नहीं छोड़ने वाली, ये एकदम खिलौना बन चुका है नन्नू का। चलो ठीक है, उसको थोड़ा रिलीफ भी मिलता होगा। बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए, क्योंकि यू नो दर्द वगैरह तो सभी को होता है और एकदम इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। देखिए इतनी देर में क्या हालत करी है नन्नू ने बेड की, पूरा मैं सेट करके गई थी, देखिए पूरे हालत बिगाड़ दी है। टैबलेट भी यहीं छोड़ दिया है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी हैं, पिलो वगैरह सारा कुछ मैं सेट करके गई थी। एक्चुअली मैंने सोचा मैं जाने वाली थी, मैंने कहा चलो नन्नू तो आने ही वाली है, नन्नू आ जाती है उसके बाद जाती हूँ, फिर मैं ये सारा कुछ सेट करूँगी। और मैं क्या लेकर के आई हूँ, बहुत ऐसा कुछ खास तो नहीं लाई हूँ, जो भी लाई हूँ अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगी। और मम्मी थोड़ा सा नीचे हैं, अब ये घर ही में आ गया है तो इससे बहुत आराम हो गया है। जब भी मन करे रिलैक्स करने का, और हम औरतों को तो रिलैक्स करने का मन करता ही करता है, काम करने के बाद इतनी थकावट हो ही जाती है, तब ये अच्छे से यूज़ करेगी। तो चलिए ठीक, थैंक यू बेटा, पानी बगाया था मैंने, कपड़े चेंज कर लिए, मैं भी मज़े ले रही हूँ। 5 मिनट टाइमर सेट करके मैंने कहा 5 मिनट, मैं भी जो है थक गई थी विशाल में टहलते टहलते, मैंने कहा मैं भी रिलैक्स कर लूँ, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है नींद आ रही, सो जाओ। ये लाइन में लगी है क्या, दिन भर यही करोगी क्या? ये तो रखने नहीं देगी, हो गया ऑफ। अभी नहीं, सुनो आप थोड़ी देर से रेस्ट कर ले, तो तुमने तो 15 मिनट किया है ना। और अभी मैं खाने जा रही हूँ अपनी मोस्ट मोस्ट फेवरेट चॉकलेट, ये लास्ट पीस बचा हुआ है, इसको आए हुए बहुत दिन हो गए। नो फैन कम कर दो एक पॉइंट, अभी बहुत थोड़ी सी बची हैं सोना, ख़त्म हो गई हैं, बहुत ही थोड़ी सी बची है। ये 1, 2, 3, 4 ये पूरा भरा हुआ, हटना सोना, पूरा भरा हुआ था ये वाला डब्बा, पूरा ऊपर तक फुल था, एकदम एकदम फुल।
ये इस तरह की थी, अलग अलग शेप में, ये थी ये थी ये थी। और ननू अपना वो लेके आओ, हेडफोन लेके आओ और अपना टैब उठा के लेके आओ। मैं यहाँ पर अगर हो सका तो उस दिन की फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी बताऊं कि इतनी दूर से बैठे बैठे, मैं बोल रही थी ना कि वो बैग यहाँ कैसे है, मैं तसल्ली से आपको बताऊंगी। तब मैं बता देती हूँ, इनके एक फ्रेंड हैं तो वो आए हुए थे, तो उनसे उन्होंने उस बैग भर के नन्नू के लिए सामान भेजा। इधर लाना, तुम्हें ही दिखा दूँ डायरेक्ट, इशारे करी मुझे ही दिखाओ डायरेक्ट। ये देखो, ऑन तो कर लो, ऑन तो कर लो। नन्नू के लिए ये भेजा, ये बहुत दिनों से इसने सर्च करके रखा था, बहुत महीनों से अमेजोन से, बट उन्होंने वहां से भेज दिया। नहीं है, नहीं हुआ ऑन? हाँ हो गया, इसमें लाइट भी जलती है देखिए। और टैब दिखाओ अपना, और नन्नू के लिए ऐसे बच्चों लाइक थोड़ा सा यू ना, आप समझ सकते हैं, बच्चों का मन रखने के लिए उसके लिए टैब क्या बोलते हैं, टैब भेजा था। एक्चुअली नन्नू ने पापा से प्रॉमिस लिया था जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले, कि अगर मेरे मतलब इतने परसेंट से ऊपर नंबर आए तो मुझे वो चाहिए, टैब चाहिए। तो फिर नन्नू के पापा ने उनको टैब लेकर के दिया। ये देखिए, ये रहा मेरी नन्नू का टैब, और ये रहा, और मेरे लिए एक स्लीपर भेजी है जो कि मेरे को बड़ी आ गई है एक साइज़। और क्या है, और एक बैग है छोटा सा नन्नू, उसी में है, बैग के अंदर है कुछ सामान। इसमें सिम कार्ड अभी पड़ा नहीं हुआ है, तो ये इस तरीके से ही है, अभी सिम कार्ड नहीं है इसमें। कनेक्ट कर दो। अभी इसने वॉलपेपर वगैरह भी नहीं लगाया है, तो मोस्टली ये जो है गेम खेलती रहती है इसमें। ये इसने गेम डाउनलोड कर रखे हैं, गेम खेलती रहती है, ऐसे समझो कि मोबाइल है बस, बिग स्क्रीन का, यूट्यूब वगैरह देखती रहती है, वाईफाई से कनेक्ट है ना। तभी नन्नो का ये एक हो गया। वैसे हम मैं इसको हिसाब से मतलब वो यूज़ करने देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन भी है, स्कूल भी है, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी जो है अच्छे से। हाँ देख लो, कनेक्ट कर लो, हो जाएगा कनेक्ट। चार्ज किया था ये तुमने, अभी नहीं किया था तो कर लो, कर लेना तब कनेक्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर लाना, ऑन ही रहने देना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा ऑन रहने देना तो इसने ऑफ कर दिया। ऑन है, अच्छा ये देखो, लाइट बहुत अच्छी लगती है इसकी। बहुत ज्यादा ही मुझे अच्छा लगा ये, बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर नन्नू वीडियो कॉल आया, नन्नू ने आप इस पे गाने लगाए थे, पापा मेरी जा, और नन्नू उसी पे डांस करा कर, हम लोगों के हंसते हंसते, वहाँ उनके और यहाँ मेरे, हम दोनों के हंसते हंसते, पेट में इतना दर्द हो गया, इतनी नौटंकी है ये, कुछ कहने की नहीं। पापा मेरी जा, आगे क्या, हरदम रखना है ना, ऐसे करके कुछ गाना है ना, वो वाला गाना जोर से बजा लिया बूफर पे, और डांस करा कर ऐसे ऐसे। मैंने कहा देखो डांस कर रही है, रुक नहीं रही है, ऐसे नटंकी करती है। तो ये है चॉकलेट, मेरी मोस्ट फेवरेट चॉकलेट, मोस्ट फेवरेट। ये मैं लिखे एक बार और खा चुकी हूँ, एक बार जो भैया भी लेकर के आए वही लेकर के आए थे हमारे लिए, नन्नू के लिए लेकर के आए थे पहले जब वो आए थे, तो वो लेकर के आए थे। ये जेली टाइप की है, और तो सारी फिनिश हो गई। नन्नू ये देखो ना, इसको उसमें करो, देखो मेरे हाथ में लग गया, जन्म समझा कर, जन्म समझा कर रख दो। और मैं कुछ भूल रही हूँ तो पता नहीं। हाँ नेल कटर, नेल कटर कौन भेजता है अपनी बीवी को, कोई नेल कटर भेजता है? ये क्योंकि मैंने उनसे कुछ ऐसा कहा भी नहीं था, नेल कटर भेज रहे हैं मुझे, नेल कटर भेजा पापा ने। ये सारा सामान है जो उन्होंने मुझे भेजा इतनी दूर से। आपको नेक्स्ट व्लॉग में बैग शूज वो जब खोलूंगी ना वाला, तब दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू, पार्ट टू। सोचो ये वाला व्लॉग में ये पर एंड करूँ, बहुत लंबा भी हो रहा है। और विशाल से क्या लाई हूँ वो अभी मैं, और नन्नू का जो बचा हुआ सामान है जो इन्होंने मुझे वहाँ से भेजा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग वेट करना। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट पे अब मैं जोश में आ गई हूँ कि हाँ नहीं, अब मुझे कंटिन्यू रखना है व्लॉग। सब कह रहे हैं अब कैसा भी बनाओ बस बनाओ, अब दाल रोटी दिखाओ बस बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो, तो मैंने कहा अब मैं आज से अभी व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। प्रे करना कि कंटिन्यू मैं रह सकूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनका मैसेज आ गया, तो क्या बोल रही थी मैं, तो चलिए इसी पॉजिटिव
वाई वैन उम्मीद के साथ मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं मोटिवेट हूँ आगे और वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। हर कलर में थी ना, ग्रीन में भी थी, रेड में भी थी, ब्लू भी थी, सारे कलर की थी। मुझे पिंक। सुप्पा भी अमी।